डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ हॉब्स वर्सेस लॉक वर्सेस रूसो, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है। यही तीन मेन सोशल कॉन्ट्रैक्टियन पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, दो पर्पस है। एक एक तरह से रिविजन है, और दूसरा है कि जब आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो तीनों के हैं वो एक साथ रख के देखने से ही ज्यादा समझ में आती है, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। मुझे आशा है कि ना केवल बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बल्कि जो सिविल सर्विस अन्य कंपिटिशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको इससे फायदा होगा। सो लेट अस बिगिन दिस फैसिनेटिंग डिस्कशन, हॉब्स वर्सेज लॉक वर्सेज रूसो। सबसे पहले यदि हम कंपेयर करने की कोशिश करें नेचर ऑफ मैन, जिससे निकलता है स्टेट ऑफ नेचर, तो तीनों यदि थ्योरिस्ट फिलोसफर्स के व्यू को देखें तो कैसा दिखता है। हॉब्स, आपको मैंने बताया है कि उन्होंने बहुत निगेटिव कैरेक्टर जो है मैन का रखा। इसके लिए नहीं कि वो बाई मतलब स्वभाव से कोई ऐसा है, उसके अंदर से ऐसी आती है। उनका कहना था कि नेचर ने जिस तरह से मैन को बनाया है, मैन जो है एक बंडल है मैटर इन मोशन, तत्व जो है वो मूवमेंट में है, बस यही है मैन। और उनका जो इमोशंस है उस पर उनका ही काबू नहीं रहता है, क्योंकि जिस तरह से उनके वाइटल और सेकेंडरी मोशन होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस से, उससे गाइडेड होता है। मतलब उनका कहना था कि मानव का जो स्वार्थी, सेल्फ इंटरेस्टेड, भयभीत होना, ड्रिवन बाय डिजायर और पैशन होना, हमेशा पावर के लिए ही चाहत होना जब तक कि मर ना जाए, और दूसरे से भय खाना, दूसरे पे जब भी मौका मिले अटैक कर देना, और अपने बारे में सोचना कि हम बहुत ऊंचे हैं और हमारा जजमेंट बहुत अच्छा है, ये सब जो निगेटिव क्वालिटी उन्होंने नेचर ऑफ मैन का कहा, हॉब्स के अनुसार से वो कोई ऐसा उनका मानव का स्वभाव नहीं है, बल्कि वो नेचर ने जिस तरह से मानव को अदर एनिमल के जैसा ही बनाया है या कुछ डिफरेंट, उसका उसका परिणाम है। सो उनका ये कहना था कि मैन जो है वो फिजियोलॉजिकली वो मैटर इन मोशन है, और साइकोलॉजिकली उनका जो इमोशंस है उस मैटर से गाइडेड होता है, जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा उनका कहना था कि जिस स्टेट में मैन अपने को पाता है कि सामने वाला भी इक्वली ताकतवर है, हम यदि पावर एक्वायर करेंगे तो वो भी कर सकता है, हमारी पावर से उसको भय लगेगा तो वो हमें सोते में मार दे तो हम ही क्यों ना मार दें, मतलब जिस एनार्किक कंडीशन में अपने को पाता है, इसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, वहां पे और उसका स्वभाव जो है निगेटिव हो जाता है। So, Hobbes का ओवरऑल ये कहना है। लॉक जो है वो बहुत अलग ढंग से मनुष्य को देखते हैं, लेकिन यदि आप डीपली देखें तो हॉब्स से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। उनका कहना है कि आदमी जो है वो भगवान का क्रिएशन है, पहले तो वो गॉड को ले आते हैं। हॉब्स जो है गॉड को नेचर से बिल्कुल अलग रखते हैं, वो एकदम साइंटिफिक वे में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉक है वो कहते हैं कि चूंकि गॉड का क्रिएशन गंदा हो ही नहीं सकता, गॉड ने उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज दे के भेजा है, वो अच्छा है, गुड है, पीसफुल रहना चाहता है, वो सोशल है उसका स्वभाव, वो अपने को खुद संभाल सकता है सेंस ऑफ रीजन से, रैशनलिटी से जो भगवान ने उसको दिया है, और दूसरे के साथ भी कमोबेश वो शांति से रह सकता है। मैन जो है स्वार्थी है, लेकिन वो इनलाइटेंड स्वार्थी है, मतलब कि वो अपने स्वार्थ के साथ ये भी देखता है कि सामने वाले का इतना हार्म ना हो जाए कि वो हम पे अटैक कर बैठे। तो इस तरह से वो फिर वो कहते हैं लॉक कि उसको भी हाँ डिजायर और पैशन से गाइडेड होता है, लेकिन अगेन उसके पास चूंकि सेंस ऑफ रीजन है जिससे वो लॉ ऑफ नेचर को समझ पाता है, जो एक तरह से गॉड का मोरल कमांड है, इन सब के चलते वो अपने डिजायर पैशन इमोशंस एंगर को कंट्रोल कर लेता है। यहां देखिए कितना लॉक जो है एक तरफ हॉब्स की तरफ जाते हैं और फिर अपने को बीच बीच में ले आते हैं, इसके चलते ही तो इतने पॉपुलर हुए। तो इसके चलते लॉक का कहना है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ समवॉट पीसफुली और कोऑपरेशन और हार्मोनी में रह सकता है और अपने को संभाल करके। रूसो इन दोनों से बहुत अलग जाते हैं। उनका कहना है कि पहले तो वो कहते हैं कि गॉड नेचर गॉड या ये सब नहीं है, ये नेचर का क्रिएशन है मनुष्य, नेचर ने उसमें दो क्वालिटी केवल दे के भेजी है, मतलब अंदर से जो आदमी में इननेट, बाहर छोड़ दीजिए सोसाइटी होने के बाद उसमें जो नेचर आता है उसका स्वभाव बदलता है, उसको यदि छोड़ दे तो बाय नेचर केवल दो जो है इननेट
क्वालिटी है लोग में, एक है कि सेल्फ लव, अपने को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, और दूसरा कि दूसरे को दर्द देख करके आदमी को दर्द होता है, पीटी। ये दो से जो है वो अपना जीवन स्टेट ऑफ नेचर में चलाता है, जिसको उन्होंने बोला कि मैन जो है नोबल सैवेज है। नोबल मतलब कि साधु जैसा, सैवेज मतलब कि बिल्कुल मतलब पूरा एक जंगल में रहने वाला, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से उसको कोई नाता नहीं है। तो ऐसा साधु जो बिल्कुल जंगल में रह रहा है, अपने में खोया हुआ है, पेड़ के नीचे है, बांसुरी बजा रहा है या गाना गा रहा है, उसको दूसरे किसी से मतलब नहीं है। उनका कहना था कि आदमी में कोई ऐसी भावना ही नहीं है कि हम दूसरे से बात करें या दूसरे से लड़ाई करें, तो ना तो उनको किसी से भय लगता है, ना ही किसी से उसको दुश्मनी लगता है, ना ही किसी से उसको प्रेम उमड़ता है, लेकिन सामने में कोई खून बह रहा हो, मर रहा हो, तो उसमें दया उमड़ आती है। तो रूसो इस तरह से देखता है मानव के स्वभाव को। अब यदि हम स्टेट ऑफ नेचर को देखें तो वो उसी से निकलता है कि तीनों ने किस तरह नेचर देखा, मानव का स्वभाव देखा। हॉब्स कहते हैं कि चूंकि मानव का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरे से डरता है, उसको कंपटीशन होता है, वो स्वार्थी है, वो पावर एक्वायर करना चाहता है, और चूंकि कोई सत्ता नहीं है, सार्वभौम सत्ता नहीं है कंट्रोल करने के लिए, तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा, हमेशा जो है द्वंद्व होगा, मारपीट होगी, कंफ्लिक्ट होगा, परपेचुअल मतलब वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब एकदम एनार्किक सिचुएशन, एकदम डार्क जंगल राज होगा, माइट राइट होगा, और लाइफ विल बी सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, जो उनका फेमस लाइन है। और यहाँ पे सब कोई अपना जो है जज है, ज्यूरी है, एजुकेशनर है, तो जिसको जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस टाइप का वो बहुत ही निगेटिव जो है स्टेट ऑफ नेचर का पिक्चर देते हैं, और कहते हैं कि भाई इसमें रहना तो समझो कि जीवन नर्क हो जाना है स्टेट ऑफ नेचर। लेकिन लॉक का कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो उतना बुरा नहीं है। दूसरा लॉक का बहुत एक अलग थॉट है स्टेट ऑफ नेचर, उनका कहना है कोई ये प्री हिस्टोरिक, कोई पुरातन काल में जो है, या प्री पॉलिटिकल या प्री सोशल कोई घटना नहीं है कि हम जब जंगल में रहते थे, रूसो बोलते हैं जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ था स्पीच, ऐसा नहीं है, ये किसी भी काल में हो सकता है, अभी भी हो सकता है, लॉक का कहना है। केवल उसके लिए एक कंडीशन है कि कोई हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, लोग रह तो रहे हैं एक साथ, वो अपने को खुद संभाल रहे हैं लॉ ऑफ नेचर से, और एक दूसरे के साथ किसी तरह सामंजस्य बिठा रहे हैं किसी हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी के बगैर। तो ये स्टेट ऑफ नेचर एक सोशल अरेंजमेंट है विदाउट एनी लेजिटिमेट हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी, दैट्स ऑल। उनका कहना है कि जैसे कोई सोमालिया जैसा है जहां स्टेटलेसनेस है, वो भी लॉ स्टेट ऑफ नेचर है, कहीं पे कोई टायरनिकल गवर्नमेंट हो गया जो कि लेजिटिमेट नहीं है, तो उनका कहना है वो स्टेट ऑफ नेचर है। तो इस तरह से लॉक जो है स्टेट ऑफ नेचर को बहुत अलग मानते हैं। इसके अलावा लॉक का कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर में सम वॉट पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, प्रिजर्वेशन है, लेकिन वो पीस जो है फ्रेजाइल है, वो एकदम क्षण भंगुर है, कभी भी टूट जाने वाला है। लाइफ जो है वो है तो सम वॉट पीसफुल, लेकिन बहुत इनकन्वीनियंट है। क्यों इनकन्वीनियंट है और क्यों पीस फ्रेजाइल, उनका कहना है क्योंकि सब कोई अपना जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर खुद है, तो इसमें हमेशा जो है पीस टूटने का खतरा रहता है, कोई हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। मतलब रह तो सकते हो स्टेट ऑफ नेचर में, बट इट इज बिट इनकन्वीनियंट और पीस इज फ्रेजाइल। रूसो एक बहुत अलग तरीके से देखते हैं, उनका कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर तो ब्लिसफुल था, लोग एकदम आइसोलेटेड पेड़ के नीचे नेचर के लैप में अपना जीवन बिताते थे, दूसरे से ना कोई बैर, ना कोई झगड़ा, ना कोई प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइफ वॉज, लोग आराम से रहते थे, बहुत थोड़े में रहते थे, फ्रूगल थे, लेजी, अपने सोए हुए हैं, कंटेंटेड, संतुष्ट थे, पीसफुल और आइसोलेटेड थे, मतलब कोई ऐसा सोशल लिविंग नहीं था, तो ना तो सोसाइटी थी, तो लाइफ ए सोशल था, एंटी सोशल नहीं था। चूंकि सोसाइटी नहीं थी तो वहां पे जो कंडक्ट कोई मोरल या एंटी मोरल नहीं था, इमोरल नहीं था, तो ए मोरल था, और अलग अलग लोग रहते थे, तो और लेकिन वहां भी लोग जज तो थे, लेकिन अपने ही मामले में, दूसरे के मामले में टांग ही नहीं आते थे, रूसो के अनुसार तो आइसोलेटेड रहते थे, इसलिए एवरीबॉडी वाज जज ओनली फॉर हिज ओन केस। तो ये नोबल सेवेजरी जो थी वो प्री सोशल था, उनके अनुसार से ये तब था जबकि कोई लैंग्वेज, स्पीच, कोई सोसाइटी डेवलप नहीं हुई थी। तो ये स्टेट ऑफ नेचर आप समझ सकते हैं, रूसो जो है एक एकदम जैसे पिक्चर में आप बना सकते हैं कि एक आदमी पेड़ के नीचे जो है वो नंगा लेटा हुआ है, खुश है, एकदम ब्लिसफुल है, तारों को देख रहा है और म्यूजिक गाना बजा रहा है, इस तरह का उनकी सोच थी स्टेट ऑफ नेचर। तो दिस इज, आप कंपेयर कर सकते हैं कितना तीनों अलग ढंग से स्टेट ऑफ नेचर को अप्रोच करते हैं। यदि हम ये देखें कि धर्म और भगवान
वो अपने सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी में कितनी जगह देते हैं, कैसे लाते हैं। हॉब्स जो है वो बिल्कुल जो है धर्म को या गॉड को नहीं लाना चाहते हैं, वो सब कुछ साइंटिफिक वे में, जैसे साइंस की एक्सपेरिमेंट होती है, लॉ ऑफ नेचर को उस ढंग से और ह्यूमन नेचर को भी उस ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सेकुलर है हॉब्स इस मायने में। उनको कई लोग जो है एथेइस्ट मानते थे उस समय, कि वो कोई धर्म को फॉलो ही नहीं करते हैं। वो जो है मानते थे कि आदमी जो है वो बंडल ऑफ मैटर इन मोशन है, और इसलिए वो क्रिएशन ऑफ नेचर है, उसमें कोई गॉड का कोई रोल नहीं है। और जो लॉ ऑफ नेचर है वो एक वॉइस ऑफ रीजन है, जो नेचर ने सभी जानवरों में दिया है, आदमी में बहुत ज्यादा दिया है, मनुष्य में ज्यादा दिया है सेंस ऑफ रीजन। वैसे तो वो डॉर्मेंट रहता है, लेकिन वो जो है नेचर का जो कानून है उसको समझ पाता है, कि दूसरे के साथ तुम मारपीट करोगे तो वो भी करेगा, पीस को मेंटेन करना चाहिए, दूसरे के साथ कोई संधि की हो उसको निभाना चाहिए, ये सब लॉ ऑफ नेचर उसको समझ में आ जाती है। लॉ के अनुसार रिलीजन को वो बिल्कुल लाते हैं सोशल कॉन्टेक्ट में और समाज में। एक तरह से वो गांधी जी के जैसे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने ये कहा कि आदमी ईश्वर की रचना है, क्रिएशन है, और चूंकि गॉड जो है हमेशा अच्छा है, इसलिए उसने आदमी को इननेटली अच्छा बना के भेजा है, और उसमें उसने सेंस ऑफ रीजन दिया है, जिससे वो नेचुरल लॉ को समझ पाता है। और नेचुरल लॉ एक तरह से गॉड का मोरल कमांड है, भगवान का जो है वो मोरलिटी पे बेस जो है वो ऑर्डर है, जिसको कि आदमी समझ जाता है, उसको लॉ ऑफ नेचर उन्होंने बोला। वो खुद बहुत जो है रिलीजियस थे, प्यूरिटियन जो एक तरह का प्रोटेस्टेंट होते हैं, वो क्रिश्चियन थे। तो इस तरह से समझिए कि उन्होंने कैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिलाया, और इसके चलते वो बहुत पॉपुलर हुए, क्योंकि आपको पता है कि लोग इस तरह की लैंग्वेज को पसंद करते हैं, जहां पे कि डिविनिटी आ जाती है, गॉड आ जाता है, रिलीजन आ जाता है। तो लॉक इस मायने में ज्यादा प्रैक्टिकल थे, इसलिए उनकी जो थ्योरी है वो ज्यादा पॉपुलर हुई, ज्यादा पैलेटेबल हुई। हॉब्स जो है वो सच को सच बोलते थे, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते थे। तो रूसो जो है वो इस मायने में जो है कोई गॉड को मिक्स नहीं करते हैं। उन्होंने तो एक बहुत अलग बात कही थी, इसके लिए उसके बहुत दुश्मन हो गए थे। उन्होंने कहा कि आदमी को अपना जो है रिलीजन छोड़ देना चाहिए, जो धर्म है क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ये सब कुछ नहीं, लोगों को सिविक रिलीजन अपना लेना चाहिए, मतलब सामाजिक धर्म अपना लेना चाहिए। सामाजिक धर्म उनका कहना था, जो सामाजिक जो समरसता है, जो सॉलिडरिटी है, एकता है, उसको बढ़ाता है, और जो मोरल फ्रीडम है जो कि समाज में ही लोगों को मिलता है, एक दूसरे के साथ मिल करके जब लोग लॉ बनाते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो आदमी खुद ज्यादा फ्री हो जाता है, सेल्फ मास्टरी हो जाती है। तो उसको उन्होंने कहा कि वो सिविक रिलीजन है, उसके लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए, ना कि अपने अपने अलग अलग रिलीजन को। उन्होंने खुद जो है उन्होंने छोड़ दिया था क्रिश्चियनिटी को, कहा हम सिविक रिलीजन अपना रहे हैं, बाद में उन्होंने उसे जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था फिर से। तो और उन्होंने वो भी गॉड को बहुत इन्वोक इसमें नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैन नेचर का क्रिएशन है, नेचर ने उसको वर्चुअस बनाया है, उसको सेल्फ लव और पिटी और इक्वलिटी और फ्रीडम, ये सब नेचर के द्वारा प्रदत्त है। तो इस तरह से हॉब्स, लॉक और रूसो को आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने धर्म और गॉड को अपने थ्योरी में जगह दी है। अब हम यदि मेन देखें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीनों जो है सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी हैं, सबसे पहले हॉब्स ने दिया, उसके 50-60 साल बाद समझिए लॉक, और फिर उसके बाद जो है 50-60 साल का अंतराल रहा रूसो 18 सेंचुरी में। तो आप यदि देखें तो तीनों का एक चीज में कॉमन है, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कोवेनेंट है, ये वन विथ अदर एंड विथ ऑल है, मतलब सब सबके साथ कर रहे हैं, और जो पूरा होल है उसके साथ भी हम जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सबका पर्पस एक है कि वो स्टेट ऑफ नेचर से निकलना चाहते हैं और एक सिविल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, मतलब राज्य की जो है स्थापना करना चाहते हैं, सोसाइटी बनाते हैं और राज्य बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। ये तीनों में कॉमन है, इसमें कोई फर्क नहीं है कि ये पर्पस है, इसके लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब अलग कहाँ हो जाता है कि उद्देश्य क्या है। हॉब्स का मानना है कि मेन उद्देश्य है कि वो जो एनार्किकल है, जंगल राज है, जहां लाइफ समझिए कुछ है ही नहीं, मार काट मची हुई है, माइट राइट है, उससे बाहर निकल करके एक सार्वभौम सत्ता की स्थापना करना, जिससे कि पीस एंड ऑर्डर बना रहे, आदमी कम से कम पीसफुली जिंदा रह सके, ये एम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। जबकि लॉक के अनुसार से ये है कि नहीं, हमारा लाइफ तो ठीक ही ठाक था, थोड़ा इनकन्वीनियंट था, हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि सिविल सोसाइटी में हमारी जो नेचुरल राइट है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की, वो और ज्यादा प्रोटेक्टेड होगी, और हमारा पीस एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, हम और बेटर लाइफ लीड कर पाएंगे, मतलब हम जो थे उससे और बेटर ऑफ होने के लिए कर रहे हैं।
रूसो का कहना है कि यहाँ पे रूसो थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके अनुसार से तो स्टेट ऑफ नेचर ब्लिसफुल है, आइडियलिक है और बहुत अच्छा है, तो फिर हम क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके जो है इस गंदे लाइफ में आए, जो उनको उनका कहना था कि जो सिविलाइजेशन ने करप्ट कर दिया है, ह्यूमन नेचर को डिबेस कर दिया है, ह्यूमैनिटी को करप्ट कर दिया है और ह्यूमन नेचर को डिबेस कर दिया, तो ऐसे में क्यों करें। लेकिन उनका कहना था कि हम बैक नहीं जा सकते, मॉडर्न लाइफ, साइंटिफिक लाइफ, लाइफ रीजनड लाइफ ने हमें बहुत मेटेरियल कंफर्ट दिया है, हम उसके आदि हो गए हैं, तो कैसे हम रिकनसाइल करें मॉडर्न लाइफ को विद वर्चू ऑफ द नोबल सैवेज, इन कैसे हम जो है मॉडर्न लाइफ में भी वैसे ही जिए जैसे हम साधु जैसे जंगल में जीते थे, कैसे हम पर्सनल फ्रीडम को भी मेंटेन करें और सोसाइटी में रह भी पाए। तो उसका एक सॉल्यूशन था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आउटकम क्या था हॉब्स के अनुसार से, कि एक सार्वभौम सत्ता की स्थापना करे जो कि पीस मेंटेन करे, उसको उन्होंने बोला सार्वभौम सत्ता लेवाइथन, एक समुद्री दैत्य जैसा जो कि आपके ऊपर शासन करेगा लेकिन आपकी रक्षा करेगा, आपको पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। लॉ का आउटकम क्या था कि एक हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी का निर्माण करे जो कि इम्पार्शियल है, बिना किसी भेदभाव के वो जो है जस्टिस करता है, पनिश करता है, और उससे जो है जो पॉलिटिकल कम्युनिटी जो बनती है और गवर्नमेंट बनती है, ये सब उसका आउटकम है। रूसो के अनुसार सीधा सीधा आउटकम है एक बॉडी पॉलिटिक, मतलब शरीर जैसा जो है एक बॉडी पॉलिटिक या कम्युनिटी की स्थापना करना, जो कि सॉवरेन खुद सॉवरेन होगा, खुद अपनी सत्ता संभालेगा। अब यहाँ पे हॉब्स का देखिए कि एक बहुत डिफरेंस है हॉब्स और लॉक में, खास करके हॉब्स के अनुसार ये एक स्टेप प्रोसेस है, एक झटके में जो है सोसाइटी भी बनती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से और स्टेट भी बनता है, मतलब राज्य की स्थापना भी होती है, समाज की स्थापना भी होती है, और उसी स्टेप से एक सॉवरेन पैदा होता है जो एक थर्ड पार्टी है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं है, जिसको सभी लोग अपनी सारी ताकत सारे अधिकार उसमें समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। लॉ के अनुसार ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, दो या तीन स्टेप प्रोसेस, कई ऑथर कहते हैं तीन स्टेप्स है वॉर्डर, लेकिन दो स्टेप समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में कम्युनिटी एक समाज बनती है जिसमें सभी अपनी ताकत और कुछ अधिकार, सारे अधिकार समाहित नहीं करते हैं, कुछ अधिकार सरेंडर कर देते हैं, पर्टिकुलरली वो अधिकार के हम जज खुद बनेंगे अपने और दूसरे केसेस में। फिर एक दूसरे स्टेप में वो जो कम्युनिटी होती है वो बाय मेजोरिटी गवर्नमेंट सेटअप करती है, गवर्नमेंट से उनका तात्पर्य है लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को लागू करती है। रूसो के अनुसार ये कहना है कि कोई ये वन या टू या थ्री स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता है, हर दिन आपको एक नया प्रण लेना पड़ेगा कि कम्युनिटी में हम रहेंगे, कम्युनिटी को प्यार करेंगे, सबको फ्रीडम देंगे, सबकी रक्षा करेंगे और जनरल विल के अनुसार जो है एक्ट करेंगे और जनरल बिल बनाने में अपने हम स्वार्थ से ऊपर उठेंगे, ये डेली का प्रोसेस है रूसो के अनुसार। हॉब्स जो है कि जो सॉवरेन है वो पार्टी नहीं है, मैंने आपको बोला वो थर्ड पार्टी है, आर्टिफिशियल क्रिएशन है और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, इसलिए उस पर कोई लॉ ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट का लागू होता है, जबकि लॉ के अनुसार से गवर्नमेंट या सॉवरेन जो है वो सेकेंड स्टेप में निकलता है, वो पार्टी तो है ही, बिल्कुल है, उस पर भी लॉ जो है लागू होता है। और रूसो के अनुसार से जो है कम्युनिटी जो कि खुद सॉवरेन है वो बिल्कुल पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का, हर आदमी का कम्युनिटी से भी कॉन्ट्रैक्ट है और हर अदर व्यक्ति से भी कॉन्ट्रैक्ट है। एंड फाइनली यदि हम देखें तो इंडिविजुअल हॉब्स के अनुसार से इंडिविजुअल को कोई खास राइट नहीं है, बस जितना आपको जो लॉ है जो कि कमांड ऑफ सॉवरेन है, जो लॉ कहता है आप वो कर सकते हो और जहां लॉ चुप है उतना कर सकते हो, और कोई खास आपका राइट नहीं है, आपका सॉवरेन के अगेंस्ट में तो कोई ज्यादा राइट नहीं है, आप उसको बुराई भी नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट में खास रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकते, केवल जब आपके जान पे बनाए तभी आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं। लॉ के अनुसार से इंडिविजुअल रिटेन नेचुरल राइट ऑफ लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी एंड हैव वेरी मच द राइट टू रेजिस्ट चेंज द गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट इलेजिटिमेट हो जाए, टायरनिकल हो जाए, आर्बिट्रेरली एक्ट करे, जो कानून है उसको ना माने तो उसको बिल्कुल और प्रोटेक्ट ना कर पाए लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को, तो बिल्कुल लोगों को अधिकार है कि उसके अगेंस्ट में उठ खड़े हों और गवर्नमेंट को चेंज कर दें। रूसो के अनुसार से इंडिविजुअल जो है व्यक्ति अपनी सब कुछ समाहित कर देता है, अपनी इवन आइडेंटिटी तक समाहित कर देता है उस कम्युनिटी में, जो उसका होल बन जाता है और इंडिविजुअल उसका इंडिविजुअल पार्ट बन जाता है, जैसे कि हाथ जो है शरीर का पार्ट, तो उससे क्या अलग हो पाएगा, तो कम्युनिटी कभी उसको जो है उससे अलग नहीं होता और कम्युनिटी के अगेंस्ट वो कभी नहीं जाता, हमेशा वो कम्युनिटी को फॉलो करना उसके अपने हायर सेंस को या हायर ऑर्डर को फॉलो करने जैसा है, वो मोर मोरल फ्रीडम देता है, इस तरह से रूसो देखते हैं, इसलिए उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी जो करती है वो जनरल विल होता है, कॉमन गुड होता है, पब्लिक गुड होता है।
तो दिस इज द वे तीनों ने जो है सोशल कॉन्टेक्ट को अलग अलग देखा। यदि हम ये देखें कि कानून और जो फ्रीडम जो है स्वच्छंदता वो उसको उन्होंने कैसा देखा, इसमें भी बहुत अलग है। हॉब्स के अनुसार कमांड ऑफ द सॉवरेन इज लॉ, जो सॉवरेन कहता है वही कानून है। तो मतलब ये तो उनका जैसा थॉट था सॉवरेन का, लेवाइथियन सुप्रीम पावर, सब ने अपने पावर अधिकार दे दिए, तो फिर उसका जो कमांड है वो लॉ हो ही जाएगा। लेकिन लॉ के अनुसार लॉ जो है वो लेजिस्लेटिव, मतलब लेजिस्लेचर बनाते हैं, और वो लॉ आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है, वो मस्ट कंफॉर्म टू नेचुरल लॉ। जो नेचुरल लॉ है वो एकदम सुप्रीम है, उसके ही तरफ देख करके आपको सिविल लॉ बनाना है, जो सब पे लागू होता है और वो सॉवरेन पे भी लागू होता है, मतलब गवर्नमेंट पे भी लागू होता है। रूसो के अनुसार लॉ रिफ्लेक्ट जनरल विल ऑफ द पीपुल और कम्युनिटी, ये बहुत अलग बात है। जनरल विल पे मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, मतलब ये कॉमन लॉ जो है कॉमन गुड को रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी के वेलबींग को रिफ्लेक्ट करता है, और वो एक तरह का सम टोटल ऑफ रियल विल ऑफ पीपल है, मतलब उनके हायर सेल्फ से गाइडेड जो विचार होते हैं उसके बेसिस पे एक समाज के लिए जो सबसे भला होता है वो जनरल विल है, और उससे जो लॉ निकलता है वो एकदम पायस है, पवित्र है। वो लॉ के लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, ईच इंडिविजुअल इज द ऑथर ऑफ दैट प्योर लॉ, और पवित्र लॉ कह लीजिए, और यदि उसको लोग फॉलो करता है तो अपने हायर सेल्फ को फॉलो कर रहा है, उससे वो ज्यादा फ्री हो जाता है, मोरली फ्री हो जाता है, मोरल फ्रीडम मिलता है। इस तरह से उन्होंने कानून को देखा, मतलब कानून समाज के जनरल विल को रिफ्लेक्ट करता है, वो हर इंडिविजुअल के हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, इसीलिए उस कानून को मानना जिसको एक इंडिविजुअल ने अपने हायर सेल्फ से खुद रचा है, उस इंडिविजुअल को ज्यादा स्वतंत्रता देता है, मोरल स्वतंत्रता देता है। तो इस मायने में आप रूसो देखिए तो वो किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं। आप इसे या बर्लिन को याद कीजिए, जिन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीडम को इस तरह समझने की कोशिश की थी रूसो का, मतलब जब इंडिविजुअल अपने ऊपर खुद काबू पा लेता है, जब वो अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, वर्चुअस सेल्फ से गाइडेड होता है, ना कि अपने लोअर सेल्फ से, तो वो ज्यादा फ्री हो जाता है, सेल्फ मास्टरी हो जाती है। और ये जनरल विल को बनाना और उससे जो लॉ निकलता है उसको पालन करना, वो ट्रू फ्रीडम है रूसो कंसर्न, क्योंकि वहां हम अपने हायर सेल्फ से गाइडेड हो रहे हैं। जबकि लॉक और हॉब्स दोनों निगेटिव फ्रीडम की बात करते हैं। इनका कहना है कि फ्रीडम का मतलब ये है कि हमको गवर्नमेंट या सॉवरेन जो है कुछ करने से रोके नहीं। यदि हमको वो वॉक लेने दे, हमको नहाने दे, हमको कोई पिक्चर देखने दे, हमको जो खाना खाना है देखने दे, जो अपना काम करना है करने दे, तो हमें फ्रीडम है, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम है। और लॉक के अनुसार से फ्रीडम जो है वो तब है जब हमारी नेचुरल राइट है वो प्रोटेक्टेड है, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी का यदि हमें छूट है, जो करना चाहे, जितना प्रॉपर्टी लेना चाहे, जिस तरह से जीना चाहे, तो वो फ्रीडम है। और हॉब्स के अनुसार से यस, फ्रीडम तो निगेटिव है, लेकिन है बहुत लिमिटेड आपको उस तरह के सॉवरेन में, क्योंकि आपको वही कर सकते हैं जो कि लॉ कहता है, या जहां लॉ चुप है उतना ही कर सकते हैं, उससे अधिक कोई आपको फ्रीडम है नहीं। सो दिस इज द वे लॉ एंड फ्रीडम को तीनों कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी देखते हैं। अब यदि हम लोग देखें कि नेचर ऑफ सॉवरेन एंड गवर्नमेंट को तीनों कैसा देखते हैं, बहुत कुछ तो अभी हम लोग चर्चा कर लिए, लेट अस कंपेयर एंड कंट्रास्ट। सॉवरेनिटी आपको पता है, हॉब्स जो है वो कहते हैं कि सॉवरेन जो है वो थर्ड पार्टी है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बिना किसी मेहनत के, क्योंकि उसमें सभी लोग अपनी पावर अपने राइट समाहित कर देते हैं, तो वो जो थर्ड पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं है वो सॉवरेन बन जाता है। और ऐसी सॉवरेनिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है, इंडिविजुअल, कोई उसका बंटवारा नहीं है, कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, अनएलिनिएबल है, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो सकता है। सो मतलब उसको कोई छीन नहीं सकता है उस पावर को। सॉवरेन इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये बार बार मैं कह रहा हूँ लॉ के अनुसार। और इस तरह के सॉवरेन को देखिए कैसे उन्हें परिक्रमा के लिए एक समुद्री नायक के जैसा लेवाइथन जो सबके ऊपर में जो है छा जाता है, सबको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसके साए में सभी जो है जिंदा है, आप उसके अगेंस्ट में चू चपड़ नहीं कर सकते हैं। लॉ जो है सॉवरेनिटी को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द कम्युनिटी और कहीं नहीं है, लेकिन इट इज एक्सरसाइज बाय द लेजिस्लेटिव। कम्युनिटी खुद एक्सरसाइज नहीं करती है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेजिस्लेचर में, इसको पार्लियामेंट कह सकते हैं मॉडर्न में, तो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करती है पीपल के बिहाफ में, जो अभी भी हम लोग मानते हैं, इंडिया में भी हम लोग यही मानते हैं। रूसो एक बहुत अलग तरह से देखते हैं, उनका कहना है कि कम्युनिटी जो है वो सॉवरेन है, और उसके जो हर इंडिविजुअल है उसमें वो सॉवरेनिटी पार्ट डिवाइडेड है, मतलब यदि 1000 है सॉवरेनिटी और 1000 पीपल है, तो 1/1000 जो है सॉवरेनिटी हर इंडिविजुअल में वेस्टेड है।
सॉवरेंटी एकदम बिल्कुल अनडिवाइडेड एक तरह से कम्युनिटी में है, उसको कोई और छीन नहीं सकता है, ना ही उसको कोई डेलीगेट कर सकता है, कोई लेजिस्लेटिव कोई गवर्नमेंट जो है सॉवरेंटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, केवल सॉवरेंटी को खुद कम्युनिटी और हर इंडिविजुअल जब वहां जमा हो तभी सॉवरेंटी एक्सरसाइज की जा सकती है। ये पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल हॉब्स और लॉक से अलग है, क्योंकि हॉब्स में तो एक थर्ड पार्टी सॉवरेन बन जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, लॉक में लेजिस्लेटिव सॉवरेन बन जाती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है पीपुल की, और रोसो कहता है नो, कोई सॉवरेंटी किसी को हम नहीं दे सकते, हमारी सॉवरेंटी हमारे पास, जब हम सब मिल करके कम्युनिटी में खड़े होते हैं निर्णय लेते हैं तो हम खुद सॉवरेन है, कोई और हमारे लिए सॉवरेन नहीं है, सरकार सॉवरेन नहीं है जो हम लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी सॉवरेंटी हॉब्स के जैसा एब्सोल्यूट अनलिमिटेड इंडिविजिबल एलिनिएबल पावर है। गवर्नमेंट यदि हम सरकार देखें तो सरकार जो है, अब तक आप समझ भी गए होंगे कि हॉब्स में तो वो सॉवरेन है, एब्सोल्यूट अनडिवाइडेड सॉवरेन है, गवर्नमेंट सॉवरेन पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, उस पे उसके खुद के लॉ लागू नहीं होते हैं और वो आर्टिफिशियल क्रिएशन है, ये तो है ही, थर्ड पार्टी एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। लॉ कहते हैं हाँ आर्टिफिशियल क्रिएशन तो है जैसे हॉब्स कहते हैं जो गवर्नमेंट है, लेकिन एकदम बिल्कुल टेम्पररी क्रिएशन है और ये बहुत सबॉर्डिनेट है कम्युनिटी को, कम्युनिटी सुप्रीम है, गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, कम्युनिटी परमानेंट है, गवर्नमेंट टेम्पररी है, और ये जो है सेकेंड स्टेप जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कम्युनिटी ने जब मेजोरिटी से बनाई थी तो वहां पे सरकार बनी थी, अब फर्स्ट स्टेप में तो कम्युनिटी बनी थी, और गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि वो एक कानून पे आधारित है, उसको कानून के अनुसार ही चलना है जो नेचुरल लॉ से निकलती है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट है, मतलब उसको बहुत ज्यादा राइट्स नहीं है, केवल उसको लोगों का जो नेचुरल राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, एक्सटर्नल एग्रेशन से रक्षा करना है, दैट्स ऑल, और वो एक तरह से ट्रस्टी है सिटीजन के या पीपल के, उसी तरह से कि पेरेंट ट्रस्टी होते हैं अपने बच्चों के, वो कोई मालिक नहीं है, जैसे कि सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट और सिटीजन का, बल्कि पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशन है, वैसे चिल्ड्रन जो कि ज्ञान पा चुके हैं एडल्ट हो चुके हैं, तो ट्रस्टी है गवर्नमेंट सिटीजन की, तो इस तरह से वो लॉक जो है देखते हैं लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो कि बेडरॉक है लिबरलिज्म के, क्लासिकल लिबरलिज्म के। रूसो जो है वो बहुत अलग तरीके से देखते हैं, उनका कहना है कि कम्युनिटी जो है वो सॉवरेन है, सुप्रीम है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, और जो कानून बनाने का जो फंक्शन है वो कम्युनिटी खुद कर सकती है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता उसके बिहाफ में, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकती, तो कानून तो कम्युनिटी एक साथ बैठती है खुद बनाती है, हाँ लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है उस कानून को स्पेसिफिक केस में लागू करने के लिए कम्युनिटी जो है वो चुनती है एरिस्टोक्रेसी को। अब यहाँ पे बहुत विवाद होता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी क्यों नहीं चुना, उनका कहना है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन यदि सब लोग मिलकर करेंगे तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा और लोग बहुत बर्डन हो जाएंगे, इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि जो मेरिट के बेसिस पे जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको कम्युनिटी चुन लेती है शासन करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल सबॉर्डिनेट होते हैं कम्युनिटी के, कम्युनिटी परमानेंट होती है, ऑर्गेनिक होल होती है, और एग्जीक्यूटिव जो है एक टेम्पररी व्यवस्था है केवल कानून को लागू करने के लिए। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देखें कि वाइज वी शुड ओबे लॉ, तो हॉब्स कहते हैं नहीं ओबे करोगे तो करोगे क्या, यदि ओबे नहीं करोगे तुम स्टेट ऑफ नेचर में चले जाओगे, तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारी सॉवरेंटी दोनों टूट जाएगी, स्टेट ऑफ नेचर तो इतना बुरा है कि वो तो एक टायरनिकल सॉवरेन के अंदर रहने से भी बुरा है, इसलिए बी देयर और इसलिए मानो। दूसरा उनका कहना है कि इसलिए मानो क्योंकि तुमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है और लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोविनेंट को निभाना आपकी जिम्मेदारी है, तो इसलिए आप जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन करना आपकी मजबूरी है। लॉ के अनुसार से ये कहना है कि वी हैव कंसेंटेड टू हैव ए गवर्नमेंट, हमने अपनी सहमति दी है, चाहे हम चीख के लिख के दें चाहे हम चुपचाप रह के दें, तो कॉन्सेंट यदि हमने दिया है तो हमको उस गवर्नमेंट के लॉ को मानना चाहिए, ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है, ये लॉ ऑफ नेचर है, तो कॉन्सेंट बेस्ड इनका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, चाहे वो कॉन्सेंट एक्सप्लिसिट हो चाहे टैसिट, इस पर विवाद होता है, इस पर अलग से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। रूसो के अनुसार तो ये सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि बाय ओबेइंग लॉ पीपल आर ओबेइंग देमसेल्फ इन फैक्ट देयर हायर सेल्फ, तो उससे उनको मोर फ्रीडम मिलता है, लॉ रिफ्लेक्ट द जनरल विल ऑफ द पीपल, क्योंकि हम लॉ को खुद बनाते हैं, हम उसके खुद ऑथर हैं, वो भी अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होकर बनाते हैं, तो उसको मानना तो हमारे लिए फ्रीडम है, हमारे लिए मोरल फ्रीडम है, हम ज्यादा फ्री हो जाते हैं, हम ज्यादा बेटर पर्सन हो जाते हैं, हमें सेल्फ मास्टरी होती है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे। दिस इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ रूसो, जो कि बहुत नेचुरल आती है, उसके लिए कोई सोच की जरूरत ही नहीं है, द वे ही हैज डिफाइंड द कम्युनिटी एंड द जनरल विल एंड द लॉ। सो दिस इज द वे कैसे तीनों हॉब्स लॉक और रूसो जो है सॉवरेंटी और गवर्नमेंट को देखते हैं। अब
फाइनली यदि हम ओवरऑल असेसमेंट और इवेल्युएशन करें तीनों का कि कितना उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है मॉडर्न जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, तो हॉब्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेकिन बहुत निगेटिव कैरेक्टर के रूप में उनको देखा जाता है। उनके आइडियाज बहुत शॉकिंग थे कि राजा और रंग दोनों जो है वो बंडल ऑफ मैटर इन मोशन है, दोनों में कोई जो है डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर हैं। ये कहना कि डिवाइन राइट तो किंग का कुछ है ही नहीं, किंग तो जो या सोवरेनिटी या किंग मोनार्क तो वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, वो समाज का बनाया हुआ है केवल हमारी रक्षा के लिए, ये सब बहुत शॉकिंग था। लेकिन ये सब इजिली पैलेटेबल नहीं था, ये पढ़ना बहुत मुश्किल था उस समय के समाज को, लोग बहुत भड़क गए थे, इनफैक्ट उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। तो इस तरह से हॉब्स का वैसा असर नहीं हो पाया जो लॉक का हुआ, क्योंकि वो दोनों ही फैक्शन जो थे इंग्लैंड में उस समय में, जो कि रॉयलिस्ट कहलाते थे, जो डिवाइन राइट राजा का होता है राज करने का उसको मानते थे, और पार्लियामेंट्रियन जो उसके अगेंस्ट थे कि नहीं नहीं पार्लियामेंट का वो सुप्रीमेसी होनी चाहिए, दोनों उससे नाराज हो गए थे। और ही इज कंसिडर्ड ग्रैंड फादर ऑफ लिबरलिज्म, लेकिन वो बहुत लेस इन्फ्लुएंशियल है मॉडर्न लिबरल आइडियोलॉजी में, मेनली बिकॉज उन्होंने जो लेवाइथन की कल्पना की वो कोई भी सभ्य समाज नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकता कि एक ऐसी सार्वभौम सत्ता होगी जो टायरनिकल हो सकती है, उनका कमांड लॉ होगा, वो लॉ से ऊपर होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो जो मर्जी चाहे करें और हम लोग मजबूर हैं उसको मानने के लिए, ये मानना जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं। इसलिए हॉब्स बहुत लेस इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, जबकि वो मोर साइंटिफिक हैं और ट्रूथफुल बातें उन्होंने की और बहुत गंभीर बातें उन्होंने की। लॉक जो है वो एक तरह से बहुत प्रैक्टिकल थे, वो खुद जो है ट्रेडिंग करते थे, स्लेव ट्रेड से लेके इन्वेस्टमेंट करते थे, स्लेवरी के बारे में लिखते भी थे अगेंस्ट में। लॉक जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल अपने ही टाइम में हो गए थे, उन्होंने रिलीजियन और पॉलिटिक्स को मिला दिया, तो ही इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव कैरेक्टर एंड हिज आइडियाज बिकेम मोर पैलेटेबल, उसको लोग ज्यादा अपना पाए। ही वॉज फर्मली ऑन साइड ऑफ पार्लियामेंट्री, उस समय में समय भी बदल गया था, ग्लोरियस रिवोल्यूशन हो गया था जब उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा, वो एकदम एक साइड उन्होंने ले लिया था कि हाँ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, तो वो लोगों को बहुत पसंद आई। इसके चलते ही उन्होंने अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोनों को प्रभावित किया, रूसो भी उससे प्रभावित थे, एंड इसीलिए ही इज कंसिडर्ड एज फिलोसॉफिकल फादर ऑफ बोथ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म, क्योंकि उनका जो थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उस समय के जो कैपिटलिस्ट इमर्जिंग क्लास था उसको बहुत भाया और उसको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, चूंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए थे इसलिए उनकी बात को उन्होंने हर जगह फैला भी दिया और पूरी दुनिया जो है उसमें उनका प्रभाव छा भी गया कैपिटलिज्म के फॉर्म में। और अभी जो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जिसके साए में हम सभी रहते हैं, पॉलिटिकल अरेंजमेंट का ओवर आर्किंग जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो लॉकियन ही है, लॉक का ही दिया हुआ है। रूसो जो है एक अलग बहुत कैरेक्टर है, वो बहुत रिवोल्यूशनरी है लेकिन उनके आइडिया उतने ही यूटोपिक है, मतलब वो इम्प्रैक्टिकल है, बहुत नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट है। उन्होंने जो परिकल्पना की कम्युनिटी की जो खुद शासन कर सकता है वो संभव नहीं है, वो छोटे कम्युनिटी के लिए संभव है, और उनका ये सोचना बहुत कंट्रोवर्सियल हो गया कि एक इंडिविजुअल की अपनी कोई अस्तित्व ही नहीं होती, आइडेंटिटी ही नहीं होती, वो अपना सब कुछ जो है वो समाहित करता है, सिमुलेट कर देता है कम्युनिटी में, कम्युनिटी एक ऑर्गेनिक होल जैसा बन जाती है, शरीर जैसा, बॉडी पॉलिटिक, और इंडिविजुअल उसका बॉडी पार्ट जैसा हो जाता है, अपने को उसमें खो देता है। और उससे भी यदि कंट्रोवर्सियल बनी उनका नोशन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव फ्रीडम, ये कहना कि जब हम अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होते हैं तो हम ज्यादा फ्री होते हैं, लोअर सेल्फ से होते हैं तो हम बाउंडेड हो जाते हैं, हम खुद अपने के गुलाम हो जाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट था इसने टोटलिटेरियन भावना को जन्म दिया। और कई मॉडर्न जो टोटलिटेरियन स्टेट थे उन्होंने रूसो के इस हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ डिविजन को मिसयूज किया मत से, तो ये है। इसके चलते क्या हुआ, चूंकि उन्होंने ये कह दिया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने ह्यूमन कम्युनिटी को या ह्यूमैनिटी को जो है वो करप्ट कर दिया है, ह्यूमन नेचर को उसने गंदा कर दिया है, तो उस समय का इनलाइटनमेंट में सेंसेशन फैल गया और वो जो है एक तरह से धारा के विपरीत बहने वाले जो है फिलोसफर हो गए। इसके चलते भी लोग उनसे बहुत नाराज हुए, उनको बहुत आइसोलेटेड लाइफ लीड करना पड़ा। सो रूसो वॉज वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी कंट्रोवर्सियल, हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस फ्रेंच रिवोल्यूशन, वो फादर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन माने जाते हैं फिलोसफिकल, लेकिन उन्होंने जो है टोटलिटेरियन और जो उसको कह सकते हैं ऑथोरिटेरियन स्टेट, डिक्टेटरशिप, उसको भी उन्होंने जो है हवा दी अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, जैसे कि जनरल विल को फोर्सफुली मनवाएंगे,
लोगों को पॉजिटिव लिबर्टी करने के लिए स्टेट पुश कर सकती है। लोग को पता नहीं है कि उसका हायर सेल्फ क्या है, उनकी रियल मोटिव क्या है, रियल विल क्या है, उसको हम गवर्नमेंट डिस्कवर कर सकती है। ये सब चीजें जो है इंडिविजुअलिटी और लिबरलिज्म में ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए रोसो जो है बहुत पॉपुलर मॉडर्न लिबरल आइडियोलॉजी में नहीं है, कभी नहीं रहे। तो क्या निकल के आता है, लॉक बिकेम द विनर ऑफ ऑल दिस थ्री। उसी के आइडियोलॉजी पे अभी अधिकतर गवर्नमेंट पूरी दुनिया में चल रही है, और जो इकोनॉमिक व्यवस्था है कैपिटलिज्म, वो भी उनके ही थ्योरी पे या उनके फिलॉसफी पे चलती है। सो दिस इज द वे वी कैन असेस थ्री ऑफ देम। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रेफरेंसेज। मैंने कुछ छोड़ भी दिया कि उसमें जगह नहीं थी, कई जगह से मैंने इसको लिया है। ऑफकोर्स जो तीन वीडियो मैंने बनाए हैं उससे तो बहुत सारे थॉट मैंने लिए ही हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब करें। इससे मेरा पैशन बना रहेगा और स्टूडेंट तक नॉलेज पहुंचाने का। सो थैंक यू, बी सेफ, कीप सेफ, बाय।